खातेगांव में चैत्र की भुतड़ी अमावस्या पर नेमावर के नर्मदा तट पर लगने वाले दो दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 21 मार्च को नर्मदा तटों पर लगने वाले इस भूतों के मेले में एक दिन पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। मालवांचल में भुतड़ी अमावस्या पर्व का काफी महत्व माना गया है। बताया जाता है कि यहां भूतों की सवारी लगती है, जहां भूत प्रेत बाहरी बाधाओं से मुक्ति दिलाई जाती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यहां प्रशासनिक व्यवस्था माकूल देखी जा रही है। दो दिन लगने वाले इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनके ठहरने के प्रबंध भी किए जाते हैं। यहां नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए पुलिस घाटों पर मुस्तैदी से तैनाती दे रही है। मेरा नाम गोपाल है, बडनगर तहसील से आए हैं, जिला है। तो सभी की मुरादें पूरी होती है। नर्मदा के घाट पे बाल बच्चे बाधाएं सभी की दूर होती है। और हमारे बाप जी जो भी है, हमारे नाथ देवता की जब पूजा करते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। मन्नतें पूरी लेते हैं, पूरी होती है। कितने साल से आ रहे हैं आप लोग यहाँ? साल से आ रहे हैं हम। मेरा नाम सुरेश है, हम उज्जैन क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, ये सब शस्त्र लेके आए हैं आप? देव की पूरी मंडली आई है यहाँ आकर, क्या कुछ करेंगे आप? मतलब यहाँ क्या है, नानी करने आए। अच्छा, सभी को नानी करानी है। हाँ, इसलिए आए। अच्छा, और क्या बैठक वगैरह होती है, तो उसमें क्या किन चीज़ों का इलाज होता है, क्या मन्नतें पूरी होती है बैठक? वो सब मन्नत, जिसकी मन्नत नहीं है, जिसों को किसी बच्चा बच्ची नहीं है, उनकी मन्नत हो रही है। जो डाकने भूत है, उनका इलाज हो रहा है यहाँ पे। हर चीज़ का इलाज है, सारी समस्या का हल निकलता है। घाटीगांव तहसील से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।